इस बीच बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत राजनीतिक संकटों से गुजर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर के संकट पर चुटकी लेते हुए अशोक गहलोत की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति की आपाधापी के बीच रेलवे के कार्यक्रम में आना बताता है कि गहलोत को विकास पसंद है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अशोक गहलोत के हाथों में दो दो लड्डू हैं, क्योंकि रेल मंत्री और रेलवे चेयरमैन बोर्ड दोनों राजस्थान के हैं। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गहलोत की मित्रता और विकास पर भरोसा तारीफ के काबिल है। एक दिन पहले ही सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन किया था और राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान सियासत में सुर्खियां बन चुका है। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है, आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। तो पीएम मोदी ने रेलवे भर्ती की आड़ में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इशारों में लालू यादव पर के कुनबे को निशाने पर लिया। मोदी ने वंदे भारत की सौगात राजस्थान को देते हुए लालू यादव के ऊपर निशाना साधा, उनके परिवार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि पहले रेलवे की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था।